सब्सक्राइब करें कैपिटल न्यूज पलामू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। इंद्रजीत महता के कार्यकाल में पलामू पुलिस का ऐसा हाल न कभी देखा होगा ना सुना होगा। डीएसपी सुरजीत कुमार के देखरेख और थाना प्रभारी सुनीत कुमार के नेतृत्व वाली चैनपुर पुलिस का चारों ओर आलोचना हो रहा है। जब चैनपुर के समटाण में नाली विवाद को सुलझाने गई चैनपुर पुलिस खुद विवादों के भंवर में फंस गई। मामले को बिना जाने समझे पुलिस को आवेदन देने वाले पक्ष की ओर से एक तरफा कार्रवाई किया जाना स्थानीय ग्रामीणों को इस कदर नागवार गुजरा कि पुलिस पर हमले करने से भी बाज नहीं आए। जानकारी के मुताबिक पुलिस पर पथराव भी हुई, वहीं उल्टे पांव वापस भी लौटना पड़ा। दरअसल सेमटाल में रहने वाले सोनी परिवार और चौधरी परिवार के बीच नाली को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। स्थानीय लोगों की माने तो सोनी परिवार ने चैनपुर थाने में आवेदन देने के बाद दूसरे पक्ष के साथ मारपीट भी की। उसके बाद जांच में पहुंची चैनपुर पुलिस पिटाई खाई पक्ष को ही गिरफ्तार कर ले जाने लगी। गलतफहमी के शिकार और बिना मामले को समझे चैनपुर पुलिस की कार्रवाई को स्थानीय लोग एक तरफा कह विरोध करने लगे। उनका कहना था कि पुलिस पीड़ित को ही परेशान कर रही है। धीरे धीरे हुजूम बढ़ता गया और लोग उतावले होने लगे। इसी दौरान वायरल वीडियो को देखने पर साफ पता चलता है कि समझाते समझाते पुलिस का अनावश्यक बल प्रयोग उन पर ही उल्टा पड़ गया। इसके बाद तो कुछ एक लोग पुलिस पर हमला करने से भी बाज नहीं आए। देख लीजिए, यहाँ तक कि हुए पथराव में बिना नंबर प्लेट के उजले रंग की स्कॉर्पियो जिस पर बैठे पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी, ग्रामीणों ने उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद जहां सेमटाण में तनाव फैल गया, वहीं अपनी अकर्मणीयता की शिकार चैनपुर पुलिस छुपाने में लगी है। हालांकि चैनपुर थाना पहुंचे डीएसपी सुरजीत ने जांच की बात कह मामले को हल्का करने की कोशिश की, वहीं पलामू पुलिस कप्तान ने कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने वाले पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। खाकी वर्दी पहने विधि के शासन को लागू करने वाली संस्था पुलिस के साथ हमला तो दूर की बात, अभद्रता भी कानून का उल्लंघन है। इसकी गरिमा बचाए रखने की जिम्मेदारी खाकी वर्दी वालों की भी है। धर्मप्रिय, कर्मप्रिय और न्यायप्रिय पुलिस कप्तान इंद्रजीत महता की अगुवाई वाली पलामू पुलिस घटना पर कब तक और कौन सी कार्रवाई करेगी, निगाह भी रहेगी और इंतजार भी रहेगा। पिंटू सोनी एक सेमरा था चैनपुर का, वो एक आवेदन दिया था कि नाली का पानी जो है उसको लेके उसके बगल वाले से झगड़ा झंझट चल रहा है, तो उसी जांच के लिए पुलिस वहाँ गई थी। तो जांच के क्रम में पूछताछ कर रही थी तो दोनों पक्ष आपस में नजरबंदी कर लिया, उलझ गया और आपस में झगड़ा झंझट किया और थोड़ा सा हल्का पथराव वगैरह हुआ। तो अभी देख रहे हैं, जांच करवा रहे हैं आगे क्या स्थिति है।